पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं नादौन विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किए जाने के मुद्दे पर हमीरपुर बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी समर्थन किया है। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विधायकों की संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए और जल्द प्रदेश सरकार को इसमें काम करना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये कदम जल्द उठाने की जरूरत है। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विधायकों की संपत्ति को लेकर सारी बातें साफ होनी चाहिए ताकि जनता को भी पता चल सके कि चुनावों से पहले विधायक के पास क्या था और बाद में संपत्ति कहां से आई। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र में भी विधायकों की संपत्ति सार्वजनिक पोर्टल पर होने की मांग की है ताकि जनप्रतिनिधियों की संपत्ति के बारे में आम लोग जानकारी ले सकें। वहीं संपत्ति सार्वजनिक मामले में बीजेपी विधायक भी सहमति जता रहे हैं जिस पर सरकार को अब कदम उठाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमीरपुर के श्री चैतन्य महाप्रभु दंगड़ी मठ में धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हमीरपुर के अलावा कांगड़ा ऊना के हरि भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद 56 भोग लगाकर जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर के हॉल में सैकड़ों भक्तों ने पूरी रात भर कृष्ण भजन गाकर जन्माष्टमी पर्व को मनाया। दंगड़ी मठ के गिरी महाराज ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व के लिए रात भर मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ और रात 12 बजे कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक भव्य तरीके से किया गया और राधा रानी का उत्सव भी 6 सितंबर को मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। सरकागढ़ के शाहिल कुमार उर्फ अबू पिछले 19 अगस्त से घर से लापता है। हालांकि परिजनों ने शाहिल कुमार को हर जगह तलाश कर लिया है लेकिन इसका कोई अता पता नहीं चल सका। शाहिल कुमार की उम्र 21 साल है और सरकागढ़ में आईटीआई करता है। साहिल के पिता राजपाल जो कि एनआईटी हमीरपुर में काम करते हैं उनके अनुसार साहिल को 19 अगस्त को सरकागढ़ में देखा गया था लेकिन उसके बाद साहिल का कोई अता पता नहीं है। अगर किसी को साहिल कुमार का पता चलता है तो तुरंत मोबाइल नंबर 7580083523 पर सूचित करें। सोलन के आभूषणकर्ता वर्मा ज्वेलर्स ने अनूठी पहल रिटेल ज्वेलर इंडिया अवार्ड में टॉप 5 में शुमार किया गया है। ये जानकारी वर्मा ज्वेलर्स के एमडी अक्षय वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि वे इस प्रतियोगिता में पिछले 6 वर्षों से भाग ले रहे हैं लेकिन उन्हें हर वर्ष मायूसी ही हाथ लगती थी लेकिन इस बार उन्हें रिटेल ज्वेलर्स इंडिया अवार्ड में चुना गया है जिसकी वजह से वे बेहद खुश हैं और उत्साहित हैं क्योंकि उनके साथ हिमाचल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है और सोलन जैसे छोटे से जिले के ज्वेलर ने यह साबित कर दिया है कि यहां के आभूषणकार भी देश के बड़े बड़े ज्वेलर्स को टक्कर दे सकते हैं। खुशी जताते हुए वर्मा ज्वेलर्स के एमडी अक्षय वर्मा ने बताया कि रिटेल ज्वेलर इंडिया अवार्ड प्रतियोगिता में दिल्ली मुंबई बेंगलोर कोलकाता हैदराबाद जैसे बड़े बड़े महानगरों के टॉप ज्वेलर्स को पछाड़ते हुए उनके आभूषणों को टॉप 5 में चुना गया है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 6 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है और आज मेहनत रंग लाई है। इस अवार्ड की वजह से सोलन भी बेस्ट आभूषणकर्ताओं के मैप में अपनी जगह बना चुका है जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। हमीरपुर के टोनी देवी क्षेत्र में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। इन बंदरों ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। ताजा मामले में लिटिल एंजल प्राइवेट स्कूल में महिला कर्मी पर हमला कर दिया है जिसमें बड़ी मुशक्कत से बंदरों के हमले से महिला ने अपनी जान बचाई। ये सारी घटना स्कूल के कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि स्कूल कर्मी स्नेहलता गांव नाटची को बंदरों ने बुरी तरह से नोच डाला जिस कारण महिला घायल हो गई। स्कूल छुट्टी होने के बाद बच्चों को छोड़कर वापस आई महिला ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बंदरों के हमले से बचाया। ये सारी घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जिससे बंदरों के हमलों को देखकर लोग भी सहमे हुए हैं। पंचायत प्रधान बबीता चौहान ने कहा कि गांव में बंदरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिनों से बंदरों के हमलों से घायल लोग हो रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में बंदरों को पकड़ा जाए ताकि ग्रामीण राहत की सांस ले सकें।